हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स को कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर शुरू के 8 लेक्चर्स अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देखिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 9 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, मतलब हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है सब्ट्रैक्शन करना है हमारे को रैशनल नंबर्स का, मतलब एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद में एक अच्छा एग्जांपल भी करेंगे, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो एडिशन वगैरह की होनी चाहिए, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर किया है। तो आप उस लेक्चर को जाके देखिए पहले और उसके बाद में क्या कीजिए, इस वाले लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। इसका क्या मतलब है, सब्ट्रैक्ट करो, देखो ध्यान से समझना, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, माइनस का साइन लगाया हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपके इंग्लिश में आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 3/4। इस लैंग्वेज को तो आप याद रखने के लिए सब समझ सकते हो, जो भी फ्रॉम के बाद लिखा हुआ उसमें से फ्रॉम से पहले वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट का रूल वही है जो एडिशन के लिए करना है, जैसे एडिशन में बीच में प्लस आता है तो सब्ट्रैक्शन में बस माइनस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि 12 भी सबसे छोटा नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, इसको इससे डिवाइड करो, मतलब 12 को डिवाइड करो 3 से, कितने टाइम होगा, 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, माइनस 4 मतलब 12 में डिवाइड करो किससे, 4 से, तो कितने टाइम होगा, 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, और बीच में माइनस का तो माइनस आ गया। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको कैसे सोल्व करें कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 - 4 करोगे तो 5 आएगा, लेकिन लार्जर नेगेटिव था इसलिए क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, तो -5/12 क्या होगा हमारा, इसका रिजल्ट हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आगे के सभी एग्जांपल्स को भी हमें ऐसे ही देखना है। तो देखो, यहाँ पे भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब हमें -5/6 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 1/3 में। तो देखो, इसको लिखने का तरीका ध्यान रखना, 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5/6 को। तो ये माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्शन का है और ये माइनस का साइन इस नंबर का है, तो अगर आपने ये गलती से ये मिस कर दिया एक जगह पे दोनों माइनस, तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। फिर इसको एक स्टेप बाद में और सोल्व कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस माइनस ये बीच में यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करे तो प्लस आता है, यहाँ क्या बन जाएगा, 3/1/3 + 5/6 हो गया। अब सिंपल एड करना है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, इसके अंदर इसका डिवाइड, मतलब 6 में डिवाइड करना है 3 से, तो 2 टाइम होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करना है कितने टाइम होगा, मतलब 6 में डिवाइड करना है 6 से, तो 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 आएगा, ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 6, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। सेम चीज यहाँ करना है, तो यहाँ भी क्या करना है कि -3/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, -8/9। ये लिखना अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आप लोगों का रिजल्ट आसानी से निकल जाएगा। फिर आगे क्या होगा, फिर एक स्टेप और सोल्व करें तो -3/5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8/9। जब इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि एलसीएम कितना आएगा इसका, 45 आएगा। तो जब 45 होगा, अब इसको इससे डिवाइड करो, मतलब 45 में डिवाइड करो 5 से, 9 टाइम होगा, 9 को -3 से मल्टीप्लाई करो 27 आएगा, 9 × 3 = 27। अब इसको इससे डिवाइड करो 5 टाइम, 5 को क्या करना है, हमारे को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 5 × 8 = 40। जब देखो 40 में से -27 करेंगे तो कितना आएगा, 13/45। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एक बार और देख लेते हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। एलसीएम लिया, 9 × 5 = 45 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको इससे डिवाइड किया, मतलब 45 को डिवाइड किया 5 से, तो 9 टाइम हुआ, 9 को -3 से मल्टीप्लाई किया -27 आएगा। फिर बीच में प्लस था तो प्लस आया, ध्यान रखना ओरिजिनल में प्लस था, ये इसको फर्दर सोल्व करने के बाद में प्लस आया। फिर 9 से डिवाइड करेंगे हम 45 को, तो क्या होगा,
5 टाइम डिवाइड होगा, 5 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, फिर 40 माइनस 27 कर देंगे 13 आएगा, 40 प्लस का था इसलिए प्लस का 13 आएगा। ये आगे सोल्व अगर हो रहा है तो उसको आगे सोल्व करना, अदरवाइज यही छोड़ देना, तो ये आगे सोल्व नहीं होना, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे क्या है नीचे 1 लगा लो, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4 अपॉन 7 में से माइनस करना है माइनस 7, तो माइनस 4 अपॉन 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या लगा लो इसके 1 लगा लो। आगे फिर क्या करना, वही एलसीएम लेना, कितना आएगा 7 आएगा, 7 को 7 से क्या करना है डिवाइड करना, 1 टाइम होगा, 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड मतलब 7 में डिवाइड करो 1 से, तो 7 कितने टाइम में आएगा 7 टाइम में आएगा, तो फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 49 आएगा, और 49 में से माइनस 4 किया तो कितना आया 45, और यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर में 7 चल ही रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ नीचे 1 लगा लो, माइनस 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 9 अपॉन 7, लिखना सीखना पड़ेगा तभी आप लोग कर पाओगे, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 अपॉन 7, इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम लोगे दोनों का तो एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, इसको इससे डिवाइड करो कितने टाइम होगा मतलब 7 में डिवाइड करो 1 से तो 7 टाइम होगा, 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस 7 आएगा, फिर क्या करना है इस 7 में 7 से क्या करना है डिवाइड करना है, इस 7 से डिवाइड करना है इस 7 को, तो 1 टाइम होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 आएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो लार्जर में से स्मॉलर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 माइनस 7 किया 2 आया, 9 पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव 2 लिखना पड़ेगा और डिवाइड बाय 7। आई होप ये चारों पांचों एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। अब ये चीज को कैसे समझे, तो हमें ये पूछा है कि -2/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें क्या मिल जाए, ये तो हमें नहीं पता, तो हम उसको कुछ मान लेते हैं। तो लेट द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब फ्रॉम वगैरह, मैं उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दूंगा, लेट द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स, मान लो कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो कितना एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सोचे लिखने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, उसने क्या बोला है कि इस नंबर में से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करो जिससे कि रिजल्ट कितना मिल जाए -1/6, तो हमने उस नंबर को क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो क्या बोलना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखे में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलना चाहिए -1/6। आई होप ये चीज आपको इक्वेशन बनानी आ गई होगी, इक्वेशन बनाना आपको सीखना ही पड़ेगा, तब तक आप लोग प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो देखो, अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, वो नंबर फाइंड करना था, तो x को एक साइड रखना है बाकी सबको अदर साइड ले जाना है, तो हम एक काम करते हैं और x को पॉजिटिव भी रखना, भाई x की वैल्यू चाहिए, अभी तो ये x क्या है माइनस x है, तो एक काम करते हैं इस माइनस x को उधर ले जाते हैं, तो ट्रांसपोजिंग के रूल हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर उस साइड जाके माइनस हो जाता है और माइनस नंबर इधर आके पॉजिटिव आ जाता है, और माइनस को उधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, तो ये ट्रांसपोजिंग के रूल है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पे भी मैंने वापस से लिख दिया आप लोगों के लिए। तो एक्स को एक काम करो उधर ले जाओ, -1/6 को इधर ले जाओ, तो -2/3 तो यहाँ पहले से था, -1/6 माइनस का इधर आके प्लस का 1/6 हो जाएगा, माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, जहां एक्स लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या समझ सकते हो कि जो एक्स है वो एक्चुअल में किसका है प्लस का ही एक्स है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सिंपली इसको सोल्व करना है, एक चीज और ध्यान रखना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड में लिख दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में क्या होता है एक्स बराबर कुछ लिखने का वो होता है, तो लास्ट में आप क्या कर सकते हो जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ लेफ्ट साइड में हम ऐड करना है सिंपल, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, इसको मतलब 6 को डिवाइड करो 3 से तो कितने टाइम होगा 2 टाइम, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4 प्लस, इसको इससे डिवाइड कर मतलब 6 को डिवाइड करो 6 से तो 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा बराबर एक्स। अब देखो -4 और +1, एक माइनस है एक प्लस का है, तो क्या करना लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करो, 4 माइनस 1 किया तो 3 आया, लेकिन लार्जर किसका था नेगेटिव था, इसलिए किसका रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 3/6 बराबर एक्स। अब देखो यहाँ ये किसी से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 से 1 टाइम या 3 से 2 टाइम,
एंड जो एक्स आया वो कितना आया माइनस वन अपॉन टू, एंड जो नंबर हमें एड जो सब्ट्रैक्ट करना था वो कितना होगा माइनस वन अपॉन टू। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों के सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाए। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।